कमाने और खाने के जुगत में युवा पीढ़ी भारी दिक्कतों का सामना कर रही है। पैसे कमाने के जुगत में सतना का युवक बिहार के एजेंट की लिंक में आ गया और मलेशिया की जेल में जा पहुंचा। परिजनों को जब इस बात की भनक लगी कि बेटा अमित मल्ला मलेशिया की एलोर सेंटर जेल में बंद है, इस खबर ने उन्हें हैरान कर दिया और अब वो अपने बेटे की रिहाई के लिए राजनेताओं और भारतीय दूतावास से गुहार लगा रहे हैं। सतना से थाईलैंड को कमाने गया 24 वर्षीय युवक अमित मल्ला 20 जून से मलेशिया की एलोर सेंटर जेल में कैद है। उसके पिता राम जी ने बेटे की रिहाई के लिए सतना सांसद और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी ट्वीट कर मदद मांगी है कि उसके बेटे को सकुशल सतना वापस लाया जाए। दरअसल कोलगवा थाना अंतर्गत टपरिया बस्ती निवासी 24 वर्षीय अमित मल्ला यूं तो पेशे से श्रमिक है। पैसे कमाने एजेंट के द्वारा वह 15 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल पर 12 जून को घर से कोलकाता के लिए निकला था। 13 जून को वो कोलकाता से स्पाइस जेट विमान SG-742 से रवाना हुआ और 14 जून को बैंकॉक पहुंच गया, जहां उसे किन्हीं कारणों से पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। वहीं जेल में बंद होने की जानकारी बेटे के द्वारा वॉइस रिकॉर्डिंग कर पिता को भिजवाई गई। पिता के मुताबिक बेटे से अंतिम बार उन्होंने 20 जून को बात की थी, तभी उसने बताया था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमित के पिता रामजी को वीजा कराने वाले एजेंट के मैसेज से इस बात का पता चला कि बेटा मलेशिया की एलोर सेंटर जेल में कैद है। वहीं एजेंट ने आश्वस्त भी किया कि आपका बेटा 10 से 15 दिन में छूट जाएगा, मगर अमित का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं पिता ने बताया कि वो और उनके बच्चे हर वर्ष 2-4 महीने के लिए बाहर कमाने जाते हैं। इस बार बिहार के एक एजेंट ने बेटे को बाहर जाने के लिए कहा कि वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। गरीबी से तंग आकर बेटे ने बाहर जाने का निर्णय लिया और एजेंट ने जैसा जैसा बताया बेटा करता चला गया। बेटा पहले कोलकाता गया और फिर वहां से बैंकॉक और उसके बाद थाईलैंड, जहां उसे किन्हीं कारणों से पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बॉर्डर पर पुलिस वाले पकड़ ले हैं, 15-20 दिन में इंक्वायरी करेंगे। करोगे वन टू वन? उसके बात नहीं करना, बस मैसेज करना हो गया। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैसेज करेंगे उसके पास। पुलिस वाले दादा को पकड़ लिए हैं, 15-20 दिन बाद छोड़ देंगे। 20 तारीख को नहीं जाए, 20 तारीख को जानकारी नहीं है। क्या जानकारी? आप किस एजेंसी के द्वारा गया था, किनके द्वारा गया था वो? ये बिहार का एजेंट है, जिला गोपालगंज है, थाना मोहम्मदपुर है और पिन कोड नंबर है 84-14-09। एजेंट का नाम है अरविंद। अभी क्या जा आपने प्रशासन से, साथ में क्या मांग की, क्या व्यवस्था? मैं यही आप लोगों से, प्रशासन से और पीएम मोदी जी से और सांसद जी से और SP साहब से और कलेक्टर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, सर हमारे बच्चे को वापस भेजा जाए। अभी आपने क्या प्रक्रिया की, किनसे बात की? अभी आपने जी के पास गए हैं? अभी आपने वकील के थ्रू क्या प्रोसेस? वकील के द्वारा थ्रू दूतावास वाला ये सब फाइल भेजने से अनुरोध किया है सर, तो यही सब कर रहे हैं सर। क्या नाम लिखते हैं? रामजी मल्ला।